झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुक्रवार को राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। शुक्रवार को राज्यपाल राधा कृष्णन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री चंपई के साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि कई नई सरकार को 10 दिन के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। बता दें कि झारखंड में 23 साल में 11 बार सीएम बदले हैं। इनमें अर्जुन मुंडा और शिवो सोरेन 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास एकमात्र ऐसे सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पचपन अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूं। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पश्चपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आलमगीर आलम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।